अस्सलामुअलैकुम। आज हमारी फ़ाइन आर्ट्स बेसिक कोर्स की पहली क्लास है। सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी होगी कि हम जो भी काम सीखते हैं उसमें प्रैक्टिस ज़रूरी है। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम किसी भी काम में महारत हासिल नहीं कर सकते। क्लास ख़त्म होने के बाद आपको कुछ असाइनमेंट दिए जाएंगे, वो आपको कंप्लीट करना होंगे रेगुलरली, और कुछ आपको प्रैक्टिस वर्क भी दिया जाएगा साथ ही, वो भी आपको लाजमी करना होगा। और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको नोटबुक में नोट करने होंगे। इसके लिए बेसिक मटेरियल चाहिए होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने ड्राइंग पेंसिल इस्तेमाल की है। 2B की पेंसिल है मैंने, आप 3B 4B 5B की भी ले सकते हैं, या फिर आपके पास ना हो तो एक सिंपल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। और एक मैंने कंप्यूटर शीट ली है, आप कंप्यूटर शीट से स्टार्ट कर लें। बेहतर होगा कि आप कंप्यूटर शीट पर प्रैक्टिस करें, स्केच बुक अभी ना लें। सबसे पहले हमें लाइन की प्रैक्टिस करनी है। लाइन जो हमें राइट टू लेफ्ट लेके जानी है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, इसी तरह से हमें 100 टाइम प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद हमें लेफ्ट टू राइट लेके जानी है और 100 टाइम प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह से अगर हम किसी को लाइन ड्रॉ करने के कहते हैं तो वो अजीब तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं, इसलिए आपको लाइन की पहले प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से आपका हाथ रवा हो जाएगा और तेज़ी से चलेगा, और आपको अंदाज़ा रहेगा कि किस तरह से हमें लाइन ड्रॉ करनी है। काउंट करने मत बैठ जाइएगा कि हमने 100 टाइम ही करनी है, आप अंदाजे से कर सकते हैं इस तरह से, बस अंदाज़ा लगा लेके हाँ इतनी हो गई होगी 100 टाइम। उसके बाद दूसरी लाइन की हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम कुछ लाइनें ऊपर से नीचे की जानिब लगाएंगे और फिर उसके बाद नीचे से ऊपर की जानिब लगाएंगे, ये भी हमें 100 टाइम ही लगानी है। लाइन वर्क से आपको ये फ़ायदा पहुंचेगा कि आपके हाथों की जो मूवमेंट है वो इम्प्रूव होगी और लाइन आपकी स्ट्रांग होगी, और आपके हाथों की अच्छी मूवमेंट होगी तो ड्राइंग भी अच्छी होगी। जी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा कि आपको मेरी पहली क्लास कैसी लगी। मैंने दोस्तों की फरमाइश पर ये कोर्स स्टार्ट किया है। हमारी लाइन की प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी 100 टाइम, तो हम सर्कल की प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप इस वीडियो से पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकें। ये हमारी फ़र्स्ट क्लास है स्केचिंग ऑनलाइन कोर्स की। आपको जो भी क्वेश्चन करना है कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूं और आप मेरी इस क्लास का भरपूर फ़ायदा उठाएं। अब दायरे की प्रैक्टिस करते हैं। आपसे कहा जाए कि दायरा बनाने तो आप बहुत डर डर के अतः सर्किल बनाते हैं, तो हमें इसकी भरपूर प्रैक्टिस करनी है और तेज़ी से हाथ चलाना है। दायरा बनाते जाएं और आहिस्ता आहिस्ता दायरे को छोटा करते जाएं, दरमियान में लेकर आ जाएं बिल्कुल। फिर से थोड़ा गौर से देखिएगा। जो भी बहनें इस कोर्स में शामिल होना चाहती हैं आएँ और इस ग्रुप में शामिल हों और अपना स्केचिंग का शौक़ कम्प्लीट करें। स्क्रीन पर मौजूद मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकती हैं और ग्रुप में शामिल हो सकती हैं। अपना होमवर्क मुझे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकती हैं। इसी तरह से सर्किल की प्रैक्टिस भी 100 टाइम ही करनी है। आप लोग कोशिश करें, अगर आपने स्केचिंग का कोर्स स्टार्ट किया है तो इसको कंप्लीट करें और पाए तकमील तक पहुँचाएँ। इंशाल्लाह आगे भी आपकी राहें खुलती रहेंगी और आप कामयाबी की तरफ रवा दवा रहेंगे। अब हम ओवल शेप की प्रैक्टिस करते हैं जो कि ज़रूरी है, बहुत सारे शेप इससे बनेंगे। आगे हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि बेसिक शेप क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और उससे हम ड्राइंग किस तरह से कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ इसकी भी प्रैक्टिस 100 टाइम ही होगी। जितनी भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं 100 टाइम, कम से कम 100 टाइम, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी बार भी
कर सकते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका हाथ चलेगा और रवानी आएगी और ड्राइंग अच्छी बना सकेंगे, आप स्केचिंग अच्छी कर सकेंगी। अब हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर इसके अपोजिट भी इसी तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। आपको जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि तमाम प्रैक्टिस 100 टाइम करनी है, कम से कम 100 टाइम करनी है। सेकेंड क्लास हमारी होगी बेसिक शेप के बारे में, शेप किस तरह से बनाए जाते हैं और कौन से शेप हैं और किस तरह से उन शेप के ज़रिए हम ड्राइंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में, लाइंस की कितनी टाइप्स होती हैं और किस किस्म की होती हैं। आप देखिए लाइंस की 12 टाइप्स होती हैं, डॉट्स, सर्कल चैन, ज़िगज़ैग, डैशेस, क्लाउड, हिल्स, लूप्स, वेव्स, माउस ईयर्स, लाइटिंग, स्क्रॉल, कैसल। इन सब की भी प्रैक्टिस कर लीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।